आया है, अस्पताल गया था ना, वहाँ क्या कहा? जरा देखो तो कैसे जानवरों की तरह खा रहा है, अच्छी तरह से ठूंस ले, पूरे शरीर की खाल जली हुई सी लग रही है, ऐसा तो लग ही नहीं रहा कि किसी कुत्ते ने काटा है, कोई तेरा मुंह देखेगा तो थूकेगा भी नहीं। राशन कार्ड में नाम बदलने को कहा था किया क्या? बिजली का बिल भरा क्या? बेशरम कैसे खाए जा रहा है देखो तो, सिर्फ नौकरी करके आ गया तो हो जाएगा क्या? कितना बेशरम इंसान है। बहू कल से इसे खाना कम दिया करना, समझ गई ना? मैं तुझसे ही बात कर रही हूँ, सुन रहा है कि नहीं? कैसे कुत्ते की तरह खा रहा है। ठीक है, गाड़ी भिजवा दूंगा, जरे उठा ले। अरे जल्दबाजी मत करो भाई, आ रहा है ना। हम अपनी जिंदगी को इंसानों की सेवा में अर्पित कर देंगे। ये प्रण लेते हैं। हम अपने कर्म को इंसानियत और सत्यता से निभाएंगे। सभी मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे, हम देश की सुरक्षा का प्रण लेते हैं। किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेंगे। हम भारत की एकता और अखंडता को बिखरने नहीं देंगे। जरा उधर देख तो, बेचारे कितने ईमानदारी के साथ प्रण ले रहे हैं। हम 8 घंटे की ड्यूटी धूप में लगा कर रखेंगे ना, तो एक ही हफ्ते में सारे सपने टूट कर बिखर जाएंगे। सर नमस्ते सर। वो तीसरे रो में खड़ा है ना, वो मेरा बेटा है, राजेश नाम है, थोड़ा ध्यान रखिएगा सर। देख लेंगे। चलता हूँ सर। अरे बाप रे, क्या हुआ? जल्दी चलो, पेशेंट्स वेट कर रहे होंगे। चेकिंग चल रही है दीदी, और इंश्योरेंस भी नहीं करवाया।
जिस गाड़ी में लड़की बैठी हो वो गाड़ी कभी नहीं रोकते, लेकिन तुम कल जाकर इंश्योरेंस रिन्यू करवा लेना। लाइसेंस आर से बुक दिखाओ, इंश्योरेंस। अब तो पकड़ा गया, बेइज्जती हो जाएगी। ये क्या भाई, इंश्योरेंस एक्सपायर हुए तो 6 महीने हो गए। सॉरी सर, ये डॉक्टर है सर, जाने दीजिए सर। डॉक्टर मतलब बिना इंश्योरेंस के चलेंगे क्या? चुपचाप फाइन भर दे और निकल यहाँ से। तुम चुप रहो सर, इन्हें तुरंत हॉस्टल जाना है सर। आ, नहीं तुम चार्ज शीट बनाओ। आ, नाम बोलो भाई। 2000 रुपए फाइन है, यहाँ भरोगे या कोर्ट में जाना है? सर मेरे पास सिर्फ 200 रुपए है। दीदी पर्स चुपचाप अंदर रखो। ऐसे देख के दया आ रही यार, डॉक्टर को भी अर्जेंटली जाना है ना। हाँ, तो सर। क्या करें? डॉक्टर इसलिए छोड़ दो सर। चलो निकलो, चलो जाओ 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 निकलो। इंश्योरेंस उसने नहीं भरा और डॉक्टर मैडम घूर के हमें देख रही हैं। अच्छे लोगों की कोई इज्जत नहीं आजकल। रुको रुको, कार्तिक सर ने पुलिस अकेडमी में फर्स्ट रैंक लिया है तो फिर भी उन्हें ट्रैफिक ड्यूटी में क्यों डाला गया? कोई पनिशमेंट पोस्टिंग है क्या? नहीं, ये पोस्टिंग उन्होंने खुद मांग कर ली है। ट्रैफिक एसआई और दूसरे एसआई की सैलरी में कोई फर्क है क्या? नहीं। तो रिस्क किस में कम है? ट्रैफिक पुलिस में। भाई एक कप चाय लाना। कार्तिक सर जब 13 साल के थे तभी उनके मम्मी पापा चल बसे और तब से उनके लिए उनकी बहन ही सब कुछ है, बाकी किसी के लिए उनकी लाइफ में जगह नहीं है। पड़ोसी से कहकर किसी काम वाली को नौकरी पर रख लेते, अब मैं भी तुम्हें बनाकर कितने दिन खिलाता रहूंगा। बाय। अरे मंत्री जी आने वाले हैं। सब थोड़ी देर सब्र कर लो, बेवकूफ जैसे हरकत मत कर बैठना। मिनिस्टर की गाड़ी के बाद उन्हें जाने दो। हमारे मंत्री जी, मंत्री जी। सर तुम्हें समझ नहीं आया? बेवकूफ हो कार्तिक, दूसरों की परेशानी में सर घुसाने की तुम्हारी आदत बदलेगी नहीं। अब राजेश क्या लगता है तुम्हारा, भाई या भतीजा, गधा कहीं का? सर भाई हमारा ख्याल रखने वाला वैसे कोई नहीं है, ऊपर से अगर नौकरी चलेगी तो विद्या का ध्यान कौन रखेगा? साहब इतनी जल्दी किसी ने यूट्यूब पर भी डाल दिया है, 3000 लोगों ने लाइक किया है इसे, हमारी पार्टी की इज्जत मिट्टी में मिल गई साहब। मुझे इसमें से कोई भी पसंद नहीं है। ऐसे एकदम से ना नहीं करना चाहिए, पॉइंट बाय पॉइंट कारण बताओ, किस तरह की चाहिए वो डिटेल में बताओ। तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें ये सब कुछ नहीं बताया जा सकता। भाई एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे, तुम इसीलिए शादी नहीं करना चाहते हो ना कि शायद तुम्हारी बीवी इसका ख्याल नहीं रखेगी, और ये अपने आप में बहुत बड़ा त्याग है। ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, अरे मेरी बहन जरूरी है मेरे लिए। तुम बहुत किस्मत वाली हो जो ऐसा भाई है तुम्हारे पास। मेरे लिए अपनी जिंदगी का त्याग किया है? अगर पसंद नहीं है तो ठीक है, लेकिन ये इतना अच्छा इंसान भी नहीं है, कहीं पर लॉजिक नहीं बैठ रहा है। भैया विद्या दीदी
ये अंकल कौन है? सॉरी भैया, तुमसे बिना पूछे मैं ले आई। ये मैरिज ब्रोकर है। तुम्हारे लिए ये सब करने के लिए हमारे घर में कोई नहीं है ना? बस आपका ये एक ही फ्रेंड है जो आता है, खाता है और चला जाता है। प्लीज भैया, मेरे लिए थोड़ी बात कर लो इनसे। इसमें 20 फोटो है सर, कौन सी अच्छी है देख कर सेलेक्ट करके बता दीजिए। ये ओके है, ये भी ओके है, ये भी ओके है। भाई उसे हटा देते ना, ज्यादा अच्छी नहीं है। तो चुप करना, लड़की की शक्ल ही सब कुछ नहीं होती है। जिंदगी में सुंदरता से ज्यादा गुण होने चाहिए। करेक्ट। इस तरह की डरावनी दुल्हन को मैंने अपने सर्विस में नहीं देखा है। गलत मत बोलो भाई, मैं अपने लिए वाइफ ही नहीं ढूंढ रहा हूँ, अपनी बहन के लिए अच्छी माँ भी ढूंढ रहा हूँ। हाँ, ये सारी की सारी पसंद है मुझे। सर, अगर सारे लड़के आपकी तरह हो गए तो कोई परेशानी नहीं रहेगी। सर समझिए, एक हफ्ते में आपकी शादी हो जाएगी। अच्छी खबर के साथ लगता है इस भालू को कहीं देखा है। सर आपने जिन 18 लड़कियों को सेलेक्ट किया था, उन्होंने शादी की तारीख पूछी है सर। अब इसमें से किसी एक को सेलेक्ट कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी सर। जरा थोड़ी अच्छी वाली लेकर आओ। सर इसे तो आपने सेलेक्ट किया था सर। शादी की बात है भाई, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं ले सकते। लगता है इसने ही कोई उम्र की होगी इसमें। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी तेरी शादी नहीं होगी। मुझे तो पहले ही लग रहा था ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। चेहरे से ही कमीना लगता है ये। और तब से लेकर अच्छे से देखे बिना 100 लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया होगा। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? ठीक ठाक से ऑप्शन को ओके कहने वाला एक हफ्ते में सुपर लड़कियों को भी रिजेक्ट करने लगा है। कोई तो गड़बड़ है करण। कोई गड़बड़ नहीं हो रही है। तुम खाना खत्म करके अपना होमवर्क पूरा करो। बढ़िया ही समझाने। और तू क्या देख रहा है? तू भी अपना खाना खाना। क्या करण, इसमें कोई तो राज है। कार्तिक तुमसे छुपाकर कुछ नहीं कर सकता। सच बताओ, वो किसी से प्यार करता है क्या? प्यार व्यार उसके बस की बात नहीं है। अब तक तो मैंने इसे किसी लड़की से बात करते हुए भी नहीं देखा है। प्रॉब्लम कुछ और लगती है मुझे। प्रॉमिस? अरे सर की कसम। फूंक लगाओ इसमें। मैं एक डॉक्टर हूँ। फूंको। आपने ड्रिंक की हुई है, लाइसेंस हो प्लीज, चार्जशीट बनाओ। I just had a beer. ताज में एक जरूरी डिनर अटेंड करने गया था बस। Just had a beer मतलब? बियर में क्या दूध होता है? देखिए हम दोनों डॉक्टर्स हैं। अच्छा तो दोनों डॉक्टर्स हैं। आप कोई भी हो सर, डॉक्टर डॉक्टर बताकर बचने की कोशिश मत करो। हे नवीन। ओके लिसन, हम कौन है ये जाने बिना आप हमसे बात कर रहे हैं? मैं आपको बता दूं कि ये गाड़ी सीधे कमिश्नर के घर जा रही है। We are family friends. ये wedding invitation card देने के लिए हम वहां जा रहे हैं। अगर आप चाहें तो कमिश्नर साहब से बात कर सकते हैं। डॉक्टर नवीन कहेंगे तो पहचान जाएंगे। ओह, कमिश्नर साहब के गेस्ट हैं, तब तो ठीक है सर। क्या ठीक है? कमिश्नर के घर गाड़ी जा रही तो दारू पी के चला सकते हैं क्या? hey, नंबर नोट करो इसका। hey, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? नवीन प्लीज शांत हो जाओ। मैं तुमसे तमीज से बात कर रहा हूँ। व्हाट्स योर प्रॉब्लम? नवीन प्लीज स्टॉप इट। रेनू स्टे इन द कार। What? Let's leave Naveen. चलो भाई कहीं और कमाई करते हैं। निकलो निकलो। अगर पुलिस वाले ऐसे होंगे तो देश कैसे बदलेगा? देश बदलने से पहले खुद दारू पिए बिना गाड़ी चलाओ। कमिश्नर के गेस्ट है, तुम्हें छोड़ देना चाहिए था, फिर भी तुमने उन्हें परेशान किया। उसे परेशान नहीं किया, उस लड़की को किया। लड़की को? क्या कह रहे हो तुम? उस दिन विद्या ने पूछा था ना कि मैंने लड़कियों को क्यों रिजेक्ट किया, इसी लड़की की वजह से। मुझे यकीन नहीं होता, मुझसे छुपाकर तुम कुछ नहीं करोगे। क्या भाई तुम तो छुपे रुस्तम निकले। मैं भी यही सोच रहा था कि तुमने रिश्वत लेनी कब से शुरू कर दी। चलो कोई बात नहीं, अच्छा है। ट्रैफिक पुलिस वालों की यही प्रॉब्लम है। सभी पुलिस वाले इनकी तरह खराब नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं। क्या हुआ, लगता है उसकी सोच में गुम हो।
तू पहली आशिकी तूने नहीं समझी मेरी दीवानगी तेरे लिए तरसे मेरी बाहे आज तू किसी और को चाहे खुश हूँ मैं तुझे खुश पाके बदली है प्यार की राहें पिया तूने क्या किया मुझे उस लड़की को देखना है क्या हुआ इसने बोल दिया ना वो तो स्टार्ट होने से पहले खत्म हो गया ना चलो अपना काम देखो तुम ठहरे मुड़ी जब तुम्हें प्यार हो सकता है तो वो लड़की कैसी दिखती है मुझे देखना है अगली बार से मैं उस जैसी लड़की ढूंढ सकती हूँ ना मैंने उस लड़की को देखा था ये बात सच है मुझे उससे प्यार हो गया था ये भी सच है लेकिन एक अनजान लड़की के लिए बेगानों की तरह मैं दाढ़ी बनाकर नहीं घूम सकता इसलिए चैप्टर क्लोज्ड एटलीस्ट इसे फोटो तो दिखा सकते हो ना फोटो भी है वो तो मैंने कब का फाड़ कर फेंक दिया प्यारी बहना ओए ओए करण क्या अरे वाह भाभी बहुत अच्छी है इस जैसे दूसरी ढूंढते हैं हाँ एकदम सही कहा आज के मुख्य समाचार इस प्रकार से हैं। शहर में खतरनाक अज्ञात जानवरों के आतंक से कई लोगों की जान खतरनाक कविता लोगों को चेतावनी दी जा रही कविता? है कि घर से बाहर ना निकलें। जरूरत पड़ने कविता? पर घर से बाहर निकलें। अगर आपको कोई भी संदेहजनक चीज दिखाई देती है तो तुरंत समाचारों में इतना है विद्या
विद्या, विद्या इधर देखो, इधर देखो विद्या, तुम जल्दी से पुलिस स्टेशन आ जाओ, यहाँ इमरजेंसी क्लियर क्या हुआ है? विद्या गायब है यार, मैंने सब जगह पर ढूंढ लिया, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, पता नहीं है क्या हो रहा है। तुम पहले स्टेशन आ जाओ, बाद में से हम देख लेंगे। बाहर जितने भी नरभक्षी इंसान देखे हैं, वो सभी एक वायरस के शिकार हैं। कुछ समय पहले ईस्टर्न यूरोप में न्यूक्लियर संभाल कर रखे जाने वाले इंडस्ट्रियल एरिया में भी ऐसा ही वायरस फैला था। फोटो सीएम को भेज दिए गए हैं सर, दिल्ली भी भेजे जा रहे हैं सर। इट्स लाइक रेबीज, पागल कुत्ते की तरह पीड़ित व्यक्ति के दिमाग पर यह तेजी से अटैक करता है। भीतर दे दिया जाए तो इंसान में एक जानवर छुपा होता है और वो गुण दिमाग के पिछले हिस्से में होता है। जो पीड़ित होते हैं उनका सिर्फ वही दिमाग चलता है। पीड़ित व्यक्ति 3 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। पीड़ित व्यक्ति का थूक भी अगर हमारे खून के साथ मिल जाए तो वो हमें जकड़ना शुरू कर देता है। तो अब सबसे जरूरी बात यह है कि जो पीड़ित है वो हमें काटे ना, बस हमें उससे बचना जरूरी है। चोट लगने के बाद वो तुरंत नहीं मरता, वो कुछ समय बाद नरभक्षी बन जाता है। सर यस, इसका कोई एंटीडोट बनाया क्या सर? इस वायरस का कोई भी एंटीडोट किसी भी देश ने नहीं बनाया है। सर यूरोप में इस वायरस को कैसे कंट्रोल किया गया था? उस शहर में टोटल 4000 लोग थे, अब वो पूरे 4000 लोग मारे। वो वायरस अगर हमारे शरीर में घुस गया तो इंसान का खुद पर कोई कंट्रोल नहीं रहता, बस वो एक ही चीज जानता है, दूसरों को अपना शिकार बनाना। जल्दी से फर्स्ट एड कराओ, मेरा एक लौता बेटा, एम्बुलेंस का फोन कराओ, इसे बचा लीजिए सर। राजेश, 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 इसे बचा लीजिए सर। गवर्नमेंट की तरफ से हमें शूटिंग ऑर्डर है, पीड़ित व्यक्ति चाहे वो कोई भी हो हमें बिना सोचे शूट कर देना है, चाहे वो अपने परिवार का ही क्यों ना हो, उसे सिर्फ अपनी आंखों के सामने खड़ा एक खूंखार नरभक्षी समझना चाहिए। ऊटी आने जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, ना ही कोई अंदर आ सकता है ना ही कोई बाहर जा सकता है। इस वायरस को फैलने से रोकने के सिवा हम और कुछ नहीं कर सकते हैं।
मैं जानता हूँ कि ये लड़की कहाँ है। कहाँ? मेरी बहन को कुछ हुआ तो नहीं ना? वो कैसी है? अगर आप मेरी हेल्प करेंगे तो मैं आपको आपकी बहन के पास लेकर चला जाऊंगा। ओए, पुलिस वाले को धमकी दे रहा है, चुपचाप से मेरी बहन को छोड़ दे। तुमने अभी अभी जो घर क्रॉस किया है उसमें आ जाओ। सर सर शांत हो जाइए सर। सर बता विद्या कहाँ है? देखने में तो डिसेंट लग रहा है। चल चल बता विद्या को कहाँ छुपा कर रखा है। बोल। उस दिन कार में तुम्हारे साथ जो आया था, अगर उसने उस दिन की बात पर ये सब कुछ किया तो मैं उसे मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ओए नवीन, अंग्रेज की औलाद कहाँ छुपा है? देखिए पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए। अभी यहाँ पर पूरे महाराष्ट्र के टॉप डॉक्टर्स मौजूद हैं। सब यहाँ पर ऊटी में एक कॉन्फ्रेंस के लिए आए हुए हैं। ये सारे डॉक्टर्स एक गाड़ी में बैठकर कोयम्बटूर तक पहुँचेंगे, तभी इस वायरस की दवाई बनाई जा सकती है। इन्हें जो फैसिलिटी चाहिए वो सिर्फ वहीं पर है। गवर्नमेंट का ऑर्डर है, ऊटी से ना तो कोई गाड़ी बाहर जा सकती, ना ही अंदर आ सकती है। ओए, बाहर निकलना। अरे दारू पीकर गाड़ी चलाता और ऐसी हरकत की? यहाँ पर कोई नहीं छिपा है। तुम्हारी बहन मेरे ही घर पर है। मैं मिनिस्टर गुरुमूर्ति की बेटी हूँ। मेरे पापा के लोगों ने ही तुम्हारी बहन को किडनैप किया है। मैं तुम्हें वहां लेकर चलूंगी। प्लीज कैसे भी हमारी कोयम्बटूर जाने में मदद करो। ए, मुझे इस वायरस की दवा से कोई लेना देना नहीं है। चुपचाप से मुझे मेरी बहन के पास ले चलो। मेरे तुम्हारे बीच कोई डील विल नहीं है। मेरे पास शूटिंग ऑर्डर से मैं तुम सबको गोली मारकर यहाँ से निकल जाऊंगा। सिर्फ एक बीमारी है। क्या कहा? इन्हें पेशेंट की नजर से देखना होगा। थोड़ी भी इंसानियत नहीं है तुम्हें? भाई तुम इन्हें लेकर गाड़ी में बैठो, मैं कवर करता हूँ। निशाना ठीक लगाएगा ना? ज्यादा सवाल करेगा तो कंफ्यूज हो जाऊंगा। तुम जाओ ना भाई। मार उसे। ए, जस्ट मिस हो गया भाई। ओए जल्दी आ जा, आ जा भाई, बचाओ भाई, बचाओ भाई, चलाओ भाई, भाई अब किसे चलाओ? अरे चलाओ, मुझे भी मार देना। अरे भाई बचाओ। अरे दीदी, वो हैंडीकैप था बेचारा। चलो चलो। क्या यार, मुझे गोली मार रहा था क्या? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। डॉक्टर मैडम को उसे देखकर जरा दया आ गई थी। क्यों जी, मुझे देखकर दया नहीं आई आपको? वो सब वायरस के शिकार पेशेंट्स हैं। ओहो, थोड़ी देर के लिए अपनी डॉक्टर की ये डिग्री साइड में रखोगी? गोली चलाओ या फिर ये भी कोई पेशेंट है? नहीं नहीं नहीं, गोली मत चलाना। बेचारे को भूख लगी होगी ना? मुझे भी इस पेशेंट को देखकर दया आ रही है। शूट करो। बस एक ही बार तो काटना चाहता है। बिस्किट की तरह अपनी एक उंगली दे दो उसे, बस फिर वो मान जाएगा। ये भी एक तरह का त्याग हुआ ना? गोली चलाना। ये डॉक्टर मैडम तो बदतमीजी से बोल रही हैं। पहले समझाने से समझ में नहीं आ रहा था। चेक ऑन दिस। ओके डॉक्टर। सारे सैंपल्स ठीक है, ये चेक कर लो जरा। ठीक है सर। या नवीन, तुम ठीक तो हो ना? डोंट वरी, आई एम फाइन। तुम तो ठीक हो ना वहाँ? मेरी छोड़ो, तुम कैसे हो? मुझे कुछ नहीं हुआ है, घबराओ मत। मैं कोयम्बटूर आकर तुम्हें फोन करती हूँ। ओके बाय।
लव यू। इसकी तो जरा संभल के चला ना भाई। सुनो, थोड़ी देर के लिए अपना फोन बंद कर दो ना। अब हम क्या करेंगे सर? चुप रहो, चुप रहो। हेलो, अरे कोई है क्या? वॉचमैन। अली बाबा की गुफा है भाई ये। तुम शांत रहना, मैं कहूंगी तो मेरे पापा सुनेंगे। सुनना ही होगा। सुन जरा, तू उस तरफ देख। पापा, पापा, कार्तिक, कार्तिक, अरे अरे अरे, क्या 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 कर रहा? नहीं 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 नहीं, गोली मत चलाओ, गोली मत चलाओ, नहीं नहीं। तू पूरी तरह से अंधा हो गया क्या? बेटी बेटी, इनको बोलो कि गोली मत चलाओ। गोली चला रहा था वो ना भाई, इसकी शक्ल खूंखार लोगों जैसी लग रही थी, इसलिए डर से गोली चला दी, लेकिन गलती से मिस हो गया। पापा पहले आप नीचे उतरिए। बेटी, खाना बनाने वाला मुन्ना और हमारा पिए अचानक आदमखोरों की तरह मेरा शिकार करने लगे। उस लड़की को आपने कहाँ छुपाया है ये बताइए। हाँ, बोल जल्दी। नहीं बेटा, 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 मैं कुछ नहीं जानता बेटा। पीछे की तरफ जाकर के देखो, मेरे आदमियों ने उसे गुस्से में आकर उठा लिया था। इस बात का बुरा मत मानो बेटा। तो चल हट एक तरफ। लगता है इन्हें पानी से एलर्जी होती है। ये फोटो वाली लड़की है ना? विद्या, कोमल से मिलाने के लिए आपका थैंक यू। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो माफ कर देना। मैं जब डॉक्टर बनी थी तब मैंने एक कसम खाई थी, मुझसे अगर किसी की जान बचाई जा सकती है तो उसे मैं कैसे भी करके बचाऊंगी। तुम पर्सनल लाइफ में कैसे हो मैं ये जानती हूँ, ये धमकी नहीं है। हमारी मेडिकल टीम को अगर तुम कोयम्बटूर के लैब तक नहीं ले गए तो अगले 48 घंटों तक तुम, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे दोस्त, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अंधा है तो एकदम। ट्रैफिक पुलिस है ना, मैं गलती से मिस हो गया।
भाई हमारे लिए नया काम जरूरी है क्या? डॉक्टर यहाँ है ये लोग। सर आइए डॉक्टर, जल्दी जल्दी जल्दी। वो इंफेक्टेड है, उसकी पीठ की तरफ देखो। उसे कैसे वो इंफेक्टेड है? हेल्प मी। हाउ कुड यू जस्ट डू दैट? रेनू बेटी, डॉक्टर थोड़ा शांत रहो। सर मैं B1 स्टेशन का SI हूँ, अर्जेंटली मुझे यहाँ के डॉक्टर्स को कोयंबटूर के जनरल हॉस्पिटल तक ले जाना है। कमिश्नर का डायरेक्ट ऑर्डर है सर, कोई भी पीड़ित व्यक्ति उटी से बाहर निकलेगा तो सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आपको भेजेंगे तो हमारी नौकरी जाएगी सर। सर बेटा। सर नमस्ते सर। गाड़ी देख कर भेजो, मैं कमिश्नर से बात कर लूंगा। ठीक है सर, वो अपना ही दोस्त है। ओके सर। गार्ड्स बैरिकेड्स हटाओ। इसीलिए कहते हैं पॉलिटिकल टच भी होना चाहिए। मुझे बिना टच किए बात करो। डॉक्टर आपकी शर्ट में ब्लड है। ब्लड डॉक्टर? डरो डरो, मैं चेक करता हूं। नथिंग इज रॉन्ग, कम ऑन आई टेक केयर। ये छोटी सी चोट है, इन्फेक्टेड आदमी ने काटा है इसे। रिलैक्स डॉक्टर, कुछ नहीं होगा, आप परेशान मत होइए। कम डाउन कम डाउन। आई एम सॉरी डॉक्टर। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। गाड़ी में जितने भी लोग और मेडिकल सैंपल्स हैं, वो सेफ रहें, ये इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर बट शांत रहो रेनू बेटा, हम सबकी सेफ्टी भी तो देखनी है ना। सभी लोग चेक कीजिए कि किसी के शरीर पे कोई घाव तो नहीं है, अगर छोटी सी भी खरोंच है तो मुझे फौरन बताइए, जल्दी कीजिए प्लीज फास्ट। अच्छा डॉक्टर, इस वायरस की दवा कितने दिनों में तैयार करके पब्लिक को दे देंगे? इस वायरस से लड़ने वाली एक एंटीबॉडी अगर हम ढूंढ लेते हैं तो 72 घंटे में इसकी दवा बनाकर पेशेंट्स को दे सकते हैं, पर इस वायरस को मारने वाले केमिकल को ढूंढने में कितना टाइम लगेगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। हो सकता है वो हमें मिले ही ना। क्या कहा, नहीं भी मिल सकता है? हेलो, ये एम्बुलेंस इसलिए जा रही है कि आप दवा ढूंढ लें। अगर हम जल्दी हॉस्पिटल पहुंच सके तो अपना काम शुरू कर सकते हैं सर। आप चिंता मत कीजिए डॉक्टर, कोयंबटूर हमारा गढ़ है, महाराष्ट्र में घुसते ही हजारों लोग साथ खड़े हो जाएंगे, हमें सेफ जोन तक ले जाकर छोड़ देंगे। सब हमारे साथी हैं, हमारे लिए जान तक दे सकते हैं। क्यों बेटी जल्दबाजी में कोई प्रॉमिस मत कीजिए मिनिस्टर साहब, वो जब हेल्प करेंगे तब हो सकता है कि सच में उन्हें अपनी जान भी देनी पड़ जाए। कोयंबटूर आ गया क्या? अब मेरा गढ़ है कहा था ना। अरे मेरा पावर क्या है, अभी दिखाता हूँ। Oh,
करो। ऐसे क्या देख रहे हो, अंडरवियर पहनी है ना मैंने। अब तुम ही कुछ करो बेटा।
हाँ मिनिस्टर सर, तुम्हारा गढ़ तो तबाह पड़ा है। अई, उनकी खुद की धोती खुल गई है, क्यों उंगली कर रहा है उनको तू? अरे सर, वो विपक्ष वाले की धोती है। अरे शुरू के 3 साल में इसी पार्टी में था। पापा भी क्या करें? अब देखता हूँ कौन उतारेगा मेरी धोती। तब तक तुम्हारे पापा की वजह से देश का कुछ भला हुआ क्या? वो देखो, सोए हुए शैतान को भी जगा दिया तुम्हारे पापा ने। मेरे पापा ने गलती की होगी, लेकिन उनमें कमी बताने वाले तुम कोई शरीफ नहीं हो। अच्छा, मैं भले ही शरीफ नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे पापा की तरफ परेशानी नहीं बढ़ाता हूँ। गुड शॉट भाई, अगर तुम बॉर्डर पे होते तो कई लड़ाइयां जीत चुके होते हम। थैंक्स भाई, वॉच दिस शॉट। कार्तिक गोली मत चलाना। hey, गोली मत चलाना, गोली मत चलाओ। डॉक्टर मैडम ने फिर से कहानी शुरू कर दी। डोंट डिस्टर्ब। ओ भाई, बताया क्यों नहीं? रेनू, जल्दी आ, जल्दी आ बेटा, जल्दी आ, जल्दी आ। ओए किससे आ गए? अरे चुप रहने दे, नहीं तो काट लेंगे। गुड शॉट भाई। गलती से हो गया भाई। ठीक तो चलाई थी तूने? मैंने यहाँ निकलने लगा था, गलती से यहाँ लग गया। क्या हुआ? भागो, चलो चलो जल्दी। भाई बचालो भाई, भाई वो मुझे काटने वाला है। भाई 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 कुछ करो भाई, मुझे जाते रहो। जोर लगा जरा। अरे तेरा पेट कितना निकला हुआ है, उसको थोड़ा अंदर कर दो। मेरे पैर काट रहा है। नहीं भाई, चुम्मी दे रहा था भाई। क्या कहा तुमने मेरी जान बचाई, खींचने में कितनी मेहनत की मेरे भाई। मैंने तुझे कहाँ खींचा, मैं तो खुद को बचा रहा था ताकि तू मुझे बाहर न खींच ले। क्या यार, मैं जानता हूँ तू मुझे प्यार करता है मेरे भाई। ठीक है ठीक है, पीछे हट। अरे दोस्त, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, चलो चलो जल्दी चलो चलो। तुम्हें चोट लगी, अपने जूते उतारो, उतारो जल्दी जल्दी। बेटे पिस्तौल तैयार रखना। भाई
पैर में अगर दांत गड़ गए हो तो गोली मत चलाना। क्या बोल रहे तू? डॉक्टर मैडम से बोलकर बिना दर्द वाला कोई इंजेक्शन लगवा देना। तुझे कुछ नहीं होगा यार, आपके पास ऐसा इंजेक्शन तो होगा ही ना। जस्ट मिस हो गया भाई। डॉक्टर वहां देखिए, सड़क के उस पर हॉस्पिटल है। सड़क पार ही अस्पताल है, अगर दांत लगा भी होता तो भी बचा लेते मुझे ना। क्या हुआ बेटा? आपके कार्यकर्ताओं से परेशान हो गए। क्या हो गया बेटे? कैसे भी करके हमें यहाँ से सड़क पार करके अस्पताल तक पहुंचाना है। ओके अभी गोली मार सकते थे तुम। अच्छा चलना, पकपक मत कर। शैतानों को तो गोली चलाना नहीं आता ना। वहां कोई और है। गोली मत चलाओ, यहां पर कोई इन्फेक्टेड इंसान नहीं है, डरे बिना बाहर निकलो। चलो आ जाओ, तुम सब यहीं रुको। अकेला नहीं हूं, मेरे साथ पूरी फोर्स है। अरे यार तू ही गोलियां बची, जितने लोग आओगे सबको गोली मार दूंगा। तेरी तरह है। घुमा के पीछे से आकर ठोक दिया। किसको बेवकूफ बना रहे हो तुम लोग? तुम सब लोग यहाँ गहनों की दुकान लूटने आए हो ना? मैं जानता हूँ, पिछले महीने भी इसी तरह कोई गैंग आया था, फंस गया। तुम लोग भी उसी तरह फंसने वाले हो। ओए, क्या है? तुम्हें पता नहीं कि बाहर क्या हो रहा है? डर के मारे इसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। अच्छा सुनो, देखो तुम इस एरिया को अच्छी तरह से जानते हो। सामने जो अस्पताल है ना, वहाँ पहुँचने के लिए कोई सेफ रास्ता बताओ। मैं तुम चोरों का साथ नहीं देने वाला। मैम चोर दिखाई दे रहे क्या? देखो भाई यूनिफॉर्म की भी इज्जत नहीं दे रहे। तू परेशान मत हो, इसे खुद जाकर देखने के लिए बोलते हैं। सुन, तुम खुद बाहर जाकर देख लो। ओके, मैं अभी जाकर देखता हूँ, पता नहीं क्या होगा। मोहन, मोहन। हेलो गेट सिक्योरिटी। अरे कोई तो जवाब दो यार, लगता है सब साथ मिलकर मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जरा पीछे देख बेटा। आ, 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 आ,
से अच्छा तुम नहीं हो। गया तो बड़े स्टाइल में था, पैंट गिली करके आ गया। माफ कर दो सिस्टर, सॉरी। ऐसा है तो तुमने सच कहा था ना मुझसे? अब बिना घबराए यहाँ से वहाँ जाने का रास्ता बताओ। नीचे हमारी कंपनी की गाड़ी खड़ी होगी। गाड़ी से कुछ भी नहीं होगा, हम जिस गाड़ी में आए उसे कबाड़ बनाकर छोड़ दिया है। अच्छा, तो फिर वहाँ से बचकर आप यहाँ तक कैसे आए? सारी कहानी अगर कल तक जिंदा बच गया तो बता दूंगा, अभी बाहर निकलने का रास्ता बताओ। हमारी कंपनी की गाड़ी से एक ही बार में आप सीधे अस्पताल पहुँच जाएंगे। जैसे रजनीकांत सीधे अस्पताल पहुँच जाएंगे, कोई और रास्ता है तो बताओ। कोई और? सर, इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में 300 दुकानें हैं, उनमें रखी चीजों को देखकर शायद कोई आइडिया मिल जाए। Are you okay, doctor? Yeah, I'm fine. Come. Uh-huh. तो थोड़ी सी भूख लगी थी तो सोचा कुछ खा लेता हूँ। मैं भी थोड़ी सी गोली चला देता तो। चलो भाई। डॉक्टर, रस्सी से अस्पताल तक जाने की कोशिश कर सकते हैं। ओके। लेकिन अपना कोई आदमी उस तरफ होगा तो अच्छा होगा। हाँ है ना? रेनुका? यस डॉक्टर। डॉक्टर नवीन वहाँ पर है ना, उन्हें जरा फोन करके पूछो ना। कौन? वो ड्रंक एंड ड्राइव केस ना, अब तक वो दारू पी के बेहोश पड़ा होगा। जितना उनसे होगा वो जरूर करेंगे, मैं बात करती हूँ। भाई, इस रस्सी के जरिए कैसे भी हमें बचाने की तरकीब तो बना रहे हो, लेकिन फालतू के प्रैक्टिकल करने में फंसा मत देना भाई। हेलो रेनू, आर यू ऑल राइट? हाँ नवीन, हॉस्पिटल के ऑपोजिट मॉल तक ही पहुँच पाए हैं। वायरस और ब्लड सैंपल कलेक्ट कर लिए है ना? हाँ कलेक्ट कर लिए हैं, पर हॉस्पिटल के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। रेनू आर यू मैड? बाहर देखो जरा। इट्स टू रिस्की। नहीं, तुम पहले हॉस्पिटल की छत पर आ जाओ, यहाँ से वहाँ तक एक रस्सी का ब्रिज। पागलों जैसी बात मत करो रेनू, बाहर निकलना बहुत रिस्की है। रिस्क तो है नवीन, लेकिन इस सिचुएशन में बहुत बड़ी हेल्प होगी। तुम्हारे पापा के पास कोई आदमी है तो यूज करो, यहाँ से बाहर निकला मतलब सुसाइड। ओए प्लान तो फुस हो गया, थोड़ा सीरियस हो जाना। चल रहा है। ठीक है नवीन, ओके। अब मैं कुछ और सोचती हूँ। प्लीज बी सेफ, लव यू रेनू। क्या हुआ भाई? डॉक्टर साहब ने अपना काम दिखाई दिया। तुम एक बकवास रिश्वतखोर ट्रैफिक पुलिस हो, और वो एक डॉक्टर है, तुम्हें उनके बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। उसे नहीं बोल सकी तो हमें सुना रही है। डॉक्टर, वो कपड़े सुखाने वाली रस्सी है, उसे साइड में रख दो। अंकल दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है अंकल। Thank you.
वो हमारी विद्या नहीं रही। कार्तिक नहीं, उसके पास मत जाना, अभी हमारे लिए खतरा है, हम सबके सब मारे जाएंगे। अगर मेरी बहन को किसी ने कुछ किया तो मैं तुम सबको उड़ा दूंगा। नीचे करो, नीचे करो। भैया उस पर गोली मत चलाना, अभी तक वो ठीक है। विद्या तुम्हें कुछ नहीं होगा, अब से तुम्हारा मेरा कोई नाता नहीं है। तुझसे भी कह रहा हूं मेरे दोस्त। क्या भाई, हमें जाने दो। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। सर कार्तिक से बात करो। कार्तिक, विद्या से हमें भी प्यार है, लेकिन तुम पहले बाहर आओ वरना हम अंदर आ जाएंगे। अगर कोई अंदर आने की कोशिश करेगा तो मैं उसे गोली मार दूंगा। हमें अकेला छोड़ दो यहाँ। मैं विद्या का ब्लड सैंपल लेने के लिए अंदर आ रही हूँ, तुम्हें जो करना है कर लो। रेनु संभल के बेटा। मैं सच कह रहा हूँ, मैं गोली मार दूंगा। मैं अकेली आई हूँ। विद्या अंदर आइए, आपको जो भी टेस्ट करने कर लीजिए। विद्या के ब्लड में ये वायरस पूरी तरह से फैल चुका है, 90% से भी ज्यादा इन्फेक्शन हो चुका है। इस छोटी सी उम्र में इतनी हिम्मत दिखाना बहुत बड़ी बात है। हमारे पास कोई ऐसी दवाई नहीं है जो तुम्हारी मदद कर सके। I'm sorry। आप मेरी एक हेल्प करेंगी? हाँ जरूर करूंगी। मेरे भैया के पास एक लड़की की फोटो है, वो उन्हें बहुत पसंद करते हैं, आप उन दोनों को मिलाएंगी क्या? जरूर मिलवा दूंगी। थैंक्स भैया। शैतान होने से पहले गोली मार दो। तुम्हें कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अब मैं देख लूंगा, तुम जाओ। जाओ कहाँ ना? सॉरी भाई। कार्तिक भगवान के लिए गुस्सा मत करो, पहले हमारी बात ध्यान से सुनो। हम लोग यहाँ विद्या को मारने नहीं आए, अगर हम सबको कोई बचा सकता है तो वो विद्या है। ये क्या कह रहे हो तुम? विद्या के ब्लड में वायरस को एंटर हुए 1 घंटे से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई असर नहीं हुआ है। मुझे लगता है इसके ब्लड में वायरस से लड़ने की शक्ति है। तुम्हारा चीफ डॉक्टर वो कैसे इतनी देर सहन कर पाया? बात समझने की कोशिश करो, चीफ डॉक्टर को छोटी सी खरोंच आई थी इसलिए रिएक्शन आने में वक्त लगा। डॉक्टर ने कहा कि इस वायरस की कोई दवा नहीं है, सब मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। नहीं कार्तिक मेरी बात समझो। डॉक्टर बिल्कुल सच कह रहे हैं, संसार की हर बीमारी से लड़ने की कुछ लोगों में प्राकृतिक शक्ति होती है, उनकी बॉडी में वो नेचुरल एंटी पॉइजन हो जाता है। हमारी विद्या की बॉडी का एंटी पॉइजन ही इस वायरस की दवा है। हाँ भाई मुझे बाहर सब कुछ बताया इन्होंने,
अब हम सबको हमारी बहन ही बचाएगी। इस वायरस को खत्म करने की दवाई हमें मिल गई है, अब बस हमें वहां तक जाने का रास्ता ढूंढना है, वो भी जल्द से जल्द। हे भगवान, अब तो बस बारिश शुरू हो जानी चाहिए, हम सब सेफ अस्पताल पहुंच जाएंगे। अरे बारिश हो भी गई तो हम वहां तक कैसे जाएंगे? क्योंकि इन लोगों को पानी से एलर्जी है। अरे फिर तो हमारी कंपनी की गाड़ी। अगर दोबारा तुमने कंपनी की बात की तो मैं खुद तुझे काट कर खा जाऊंगा। मेरी बात एक बार सुन तो ले। इसे बोलने दो जरा। हां सर, सर हमारी कंपनी की गाड़ी कौन सी है ये आप जानते हो क्या? पहला बलि का बकरा कौन बनेगा? यही बनेगा भाई, यही इसी शहर का है। नहीं 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 नहीं, मुझे माफ करो, मैं नहीं जा सकता। अब देखना जैसे ही पानी गिरेगा कैसे भागेंगे ये लोग। ले चलो। लड्डू बेटी, पहले तुम जाओ। नहीं पापा, डॉक्टर का सैंपल के साथ जाना जरूरी है। नहीं, 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 नहीं। क्या कर दिया तुमने रेनू? पहले तुम नहीं आ सकती थी, इतनी भी अकल नहीं है तुम्हें? नवीन, अब थोड़ी देर में इन्फेक्टेड लोग अंदर घुस आएंगे। तुम डॉक्टर कबीर के साथ उस वायरस की दवा का पता लगाने में उनकी हेल्प करो। मेरी चिंता मत करो, इट्स नॉट इन योर हैंड्स। मुझे बचाया नहीं जा सकता। तुम्हें वहां से निकालने का एक भी मौका होता तो मैं आ जाता, लेकिन अब मैं कर भी क्या सकता हूँ।
गुंजाइश होती तो तुम यहाँ होते। लाख में से एक चांस होता तो भी मैं आ गया होता। You know that, Renu. But it's a pure suicide. Renu. करने वाला मेरे पापा कोई नहीं आया, तो तुम क्यों आए हो? हाँ? चलो तुम्हें उस तरफ छोड़ देता हूँ। हे, ये क्या हो गया? क्या हुआ? देखो यहाँ। हाँ? चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हारा और विद्या का एक ही खून है ना? तुम्हारे बदन के खून की एक बूंद की खुशबू मेरी नाक में चढ़ रही। मैं पक्का शैतान बनने वाला हूँ। मेरे बदन से पहले तुम्हें वहां छोड़ देता हूँ। चलो। काटूंगा मैं सर, ना भागो डर कर।
तेरे दुश्मनों को मैं हराऊंगा। ऐ मेरी जान या कोई भी शैतान तेरे करीब भी ना पाएगा। तू ना हो हैरान ना हो तू परेशान, तेरा ये साथी सबको हराएगा। मेरी बहन का ख्याल रखना, मुझे बाहर जाने दो। नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी। इससे ज्यादा मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। मुझे गोली मारकर जल्दी से अंदर चली जाओ। मुझे क्यों मचाया ये बताओ। गोली चलाओ, कहा ना गोली चलाओ। किसी को मेरी फिक्र नहीं थी तो फिर तुम्हें क्यों थी बताओ। शैतान बनने वाला हूं। मेरे पतन से पहले तुम्हें वहां छोड़ा था। आ जाओ।